चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने पहली वीडियो में पिछली वीडियो में देखा कि जो मैंने बताया कि वास्तु को भी हमारे जो फार्मर भाई हैं वह अपने फार्म्स में अपने खेतों में उसको जो है वास्तु का ध्यान रखेंगे तो वह उनके लिए तन मन धन से और शुभकारी होगा। तो मैंने बताया था आपको प्रॉमिस किया था कि आगे जो है मैं एक वीडियो वेरियस काइंड्स जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर भी डालूंगी कि किस दिशा में कौन सी लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे कि आप देख सकते हैं पहले तो ये कि आप अपने जो प्लॉट है फार्म है जमीन है जो भी है लैंड है पैच है वहाँ पर जब आप जिधर से सूर्य निकल रहा है आप मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग देखेंगे तो जहाँ से आपको सूर्यदेव निकलते हुए दिखेंगे आप उधर की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे तो वह आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, आपके बैक में वेस्ट हो जाएगी और आपके लेफ्ट साइड में जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन और आपके साउथ में जो है राइट साइड जो है वो साउथ डायरेक्शन। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो पूरी बनाई है तो आप समझ जाएंगे इससे, तो इसलिए मैंने इसको आपको बताया। अब यहाँ पर कि कल मैंने वास्तु के बारे में बताया था और जैसा कि हमारे किसान भाई जो हैं वैसे तो अपनी जो लैंड है जो भूमि है उसका वो सॉइल टेस्टिंग करवाते ही हैं कि क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो उसकी तो उसके ऊपर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वह उसके हिसाब से रखते हैं। तो मेरा ये यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि अगर एक टेस्ट और आप करें कि अपनी जो भूमि है वहाँ पे जरा 3 फीट के करीब नीचे खोदें, उसको एक बार खोद के देखें अगर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेत दिखती है तो उस लैंड में ऐसी भूमि में जो है आप कुछ प्लांट्स ना लगाएं, जैसे कि उसमें केला रहेगा बैम्बू रहेगा और इस तरह के जो पौधे हैं वो आप उसमें नहीं लगाएं जो कि सीधे रहते हैं क्योंकि ऐसी उसमें जो है वो बहुत रेशे वाले हैं और धस सकते हैं। तो इसलिए जो है ऐसी अगर 3 फीट के नीचे बहुत ज़्यादा रेत है तो आप ऐसे पौधे जो हैं उसमें न लगाएं। अब आइए जो आपको मैंने बताया कि जैसे बहुत सारे आजकल जो है खेती के अलावा भी हमारे किसान भाई जो है खेती के साथ साथ ही जो है और भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, डक्स भी आजकल रखी जाती हैं और हनी बीज जो है वे भी रखी जाती हैं, उसके आपने देखा होगा स्क्वायर स्क्वायर लकड़ी के बना करके उसमें जो है वो हनी जो बीज हैं उनको वो वहाँ पर कल्टिवेट करते हैं रखते हैं और फिर वो हनी जो है उसको प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से नर्सरी भी है, फिशरीज भी हैं, है ना, और भी बहुत सारे जो है एनिमल्स जो हैं रखे जाते हैं तो कई प्रकार की जैसे हो गए। तो जो फिशरी और नर्सरी है, नर्सरी मतलब छोटे पौधे जो हैं प्लांटेशन जो आप पौधे लगा रहे हैं वह अगर आप नर्सरी रख रहे हैं और फिशरीज हैं अगर आप फिश अब छोटा सा पौंड आपने बना रखा है और उसमें फ़िश रख रहे हैं क्योंकि आजकल फ़िश का भी बहुत डिमांड है छोटी फिशेज का, क्योंकि बहुत सारे घर घर में आप देखिए होटल्स में और सब जगह पर जो हमारे एक्वेरियम्स होते हैं तो इसलिए कुछ किसान भाई जो है वो फिशरी भी करते हैं। तो फिशरी है और दूसरा जो सिंघाड़े हैं, सिंघाड़े की कल्टीवेशन भी होती है। तो इस तरह का जो पॉन्ड बेस्ड वाटर बेस्ड है और नर्सरीज हैं इनको आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रखें, ठीक है। वेस्ट में आपका रहेगा पोल्ट्री फार्म रहेगी, डक कल्टीवेशन रहेगा, ये जो इस तरह के एनिमल्स हैं इनको आप जो है वेस्ट की डायरेक्शन में अपने लैंड के वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको रखेंगे। नॉर्थ साइड को आप हल्का रखें जहाँ तक हो सके और नॉर्थ में क्या रहेगा जैसे कि एलोवेरा की कल्टीवेशन बहुत करते हैं हमारे किसान भाई तो वो लगाएं और चंदन हो गया तुलसी हो गया। और जब मैं यहाँ डायरेक्शंस की बात कर रही हूँ तो आप इन डायरेक्शंस को उस तरह से भी कर सकते हैं कि जो आपकी जो खेत की जो मेड़ है जो पार्टीशन है उस पर भी आप इस तरह के जो प्लांट्स हैं वे लगा सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ में है तो आप एक पूरी जो अगर आपकी मेड़ है तो आप उसमें पूरी में ही जो है एलोवेरा लगा सकते हैं या तुलसी के पौधे लगा सकते हैं या चंदन के पौधे थोड़े थोड़े क्योंकि वो तो बड़े हो जाएंगे थोड़े, लेकिन फिर भी वह नॉर्थ डायरेक्शन बहुत शुभकारी होती है तो आप वहाँ पर थोड़ी दूर दूर पर जो है चंदन के पौधे लगाएंगे तो उसका आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, इनके आगे बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनसे खाली फ्रूट्स ही कल्टीवेशन नहीं है इनका जो हम लेते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्थ में इनको लगाएं और बहुत शुभकारी होगा ये आपके लिए। अब जो वेस्ट है, वेस्ट में आप किस तरह के पौधे लगाएंगे जो कि आप जैसे कि जामुन हो गया शहतूत हो गया ये जो पौधे हैं ये आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। और ईस्ट में रहेगा जैसे कि अमरूद हो गया शरीफा हो गया और केला है और अशोक, ये जो पौधे हैं ये आप अपने जो प्लॉट है लैंड है उसके ईस्ट डायरेक्शन में जिस साइड से सूर्य आपको निकलते हुए दिखते हैं मॉर्निंग में उस डायरेक्शन में आप इन पौधों को अगर लगाते हैं तो आपको बहुत शुभकारी होंगे।
और आपकी जो वो लैंड है उसका अपने आप में, जो आपका फार्म है उसका अपने आप में वैल्यू एडिशन हो जाएगा, उसमें ये एडिशन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अगर आप चाहे वहाँ गेहूँ लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका बहुत उसको शुभत्व मिलेगा, उस क्रॉप को भी इसको लाभ मिलेगा। अब प्रभात रही साउथ में, जो साउथ डायरेक्शन है तो साउथ की मेड़ है या डायरेक्शन का जो है उसमें जो है, जैसे कि अगर आपका प्लॉट है तो कई प्लॉट्स हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका ज़्यादा एकदम साउथ डायरेक्शन में है तो उसमें आप ये इस तरह के पौधे लगा सकते हैं। इसमें रहेंगे आपके नीम हो गया, शीशम हो गया, और आपका कटहल हो गया, खजूर हो गया, आम, किन्नू, जो बड़े पौधे हैं, जो प्लांट्स जो हैं बड़े फ्रूट्स वाले हैं, बड़े पौधे हैं, वह आप इसमें लगाएं। जैसे कि एक डेले होते हैं, डेले बोलते हैं उसको, टैटी भी बोला जाता है, वो अचार में बहुत शुभकारी होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत शुभकारी होता है, तो उसको आप लगाएं। और साथ में जो है लसूड़े होते हैं, एक लसूड़े का भी अचार बनाया जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, मौसमी हो गई, आंवला हो गया, खजूर है, इस तरह के जो पौधे हैं वो आप जो है, और कैक्टस की कल्टीवेशन भी आजकल हमारे किसान भाई करते हैं, क्योंकि बहुत वैरायटी आ गई है छोटे छोटे में, उसमें जब फ्लावर्स आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, उसको बहुत यूज़ किया जाता है, लोग अपने डेकोरेशन के लिए जो है यूज़ करते हैं, अपने गार्डन्स में रखते हैं, तो कैक्टस की भी जो हमारे किसान भाई हैं वो खेती करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्शन चीज़ें रहेंगी, या साउथ वाले प्लॉट में, साउथ डायरेक्शन वाला जो आपकी भूमि का हिस्सा है उसमें आप कर सकते हैं, या साउथ की साइड में जो मेड़ है तो उस पर आप कर सकते हैं। अब बात रही कि खरीदने की बात, अगर किसान भाई जैसे आपके पास खेत है और आपको आसपास में कोई और भी खेत मिल रहा है, तो अगर आप भूमि खरीदने वाले हैं तो उसमें आप एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखेंगे कि जो ईस्ट डायरेक्शन के हो, आपके प्लॉट के जो ईस्ट साइड में प्लॉट हो, अगर आप वह खरीदेंगे तो बहुत सुंदर आपको लाभ होगा। और दूसरी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ, अगर आपसे आपकी भूमि से लगती हुई जो भूमि है और नॉर्थ साइड का कोई प्लॉट है, कोई लैंड है, वो आपको खेती के लिए मिल रहा है, आप अपनी खेती भूमि बढ़ाना चाहते हैं, तो नॉर्थ वाला लें। इस तरह से ये दो डायरेक्शन वाले आप लें, ईस्ट और नॉर्थ वाले। अगर आपको आपकी भूमि के साउथ में अगर कोई मिल रहा है, माना कि आपने घर भी बना रखा है वहाँ पे, या तो घर के साउथ में है या आपकी जो खेती भूमि है उसके साउथ में अगर कोई पैच है, लैंड है, आपको मिल रहा है, तो आप उसको अवॉइड करें तो वह शुभकारी होगा। या उससे पहले जो है आप कोई पैच जो है एक जो नॉर्थ में या ईस्ट में खरीद लें, उसके बाद में आप लें, और यहाँ पे साउथ में थोड़ी पूजा भी करवाएं खरीदने के बाद में, तो बहुत शुभकारी होगा। खाली जो है ओनली वन साइड, ओनली साउथ साइड का आप प्लॉट न खरीदें, ये ना सोचें कि ये मेरे प्लॉट से लगता हुआ है, सौ आपके अगर साउथ साइड का है तो वह उसको अवॉइड करें तो शुभकारी होगा। और इसी तरीके से अगर वेस्ट साइड का भी हो तो उसे भी आप अवॉइड करें। और स्पेशली जब आप लेते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि जो लैंड है उसके ठीक बीचों बीच में, जो पैच ऑफ लैंड है उसके बीचों बीच में कोई बहुत बड़ा सा पेड़ तो नहीं है, या उसमें ट्यूबवेल तो नहीं लगा हुआ है। ऐसा अक्सर होता है कि कई हमारे किसान भाई जो बिल्कुल खेत के बीचों बीच में, सेंटर में जो है ट्यूबवेल लगा देते हैं, या वहाँ पे कोई जो है पौधे लगा देते हैं, बहुत बड़ा पौधा देखें तो कोई अशोक का पौधा है, या पीपल और शीशम और नीम, इस तरह के बड़े पौधे जो हैं मैंने बहुत बार प्लॉट्स में देखा है, खेतों में देखा है, वो पूरे जो प्लॉट पैच है उसके ठीक बीचों बीच लगा होता है, तो इसको भी आप अवॉइड करें तो सुंदर लाभ होगा। और अगर ऐसा है तो आप उस पौधे को जो है निकाल भी सकते हैं, और उसकी जो भूमि है, जो लकड़ी है, वह आपके सदुपयोग भी उसका कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फिर बात रही बुआई की, जब आप सीड सोइंग होता है, अब अप्रैल में तो अभी कटाई होगी, पहले कटाई की बात कर लेते हैं कि कटाई जब आप करेंगे तो आप अपने जो लैंड है, फार्म है, उसके आप साउथ डायरेक्शन से शुरू करके आप नॉर्थ की तरफ को कटिंग करिएगा। दूसरा, जब आप कटिंग करते हैं तो हमारे किसान भाई जो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंगलवार को, शनिवार को और अमावस को, इन दिनों में कटिंग जो है अपनी खेत की, जो आपकी उपज है उसकी, क्रॉप की कटिंग आप इन दिनों में शुरू न करें। और इसके साथ साथ में जब आप कटिंग करते हैं तो आपका जो फेस है कटिंग करते समय, या आपके मजदूरों का जो काट रहे हैं धान को, उनका जो फेस है वह नॉर्थ की डायरेक्शन में हो, आपके खेत को देखते हुए जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ उनका मुंह होना चाहिए और वो कटिंग कर रहे हो, या दूसरी डायरेक्शन ईस्ट है, या तो ईस्ट फेसिंग हो या फिर नॉर्थ फेसिंग हो, इस तरह से वो जो है रखता हुआ अपने फेस को आपके जो क्रॉप है उसकी कटिंग करें तो बहुत शुभकारी होगा। वह क्रॉप आपके लिए भी शुभकारी होगी, अच्छा धन आपको अर्जित होगा, और साथ साथ
जो उस क्रॉप को खाएगा उसको भी शुभकारी होगा। तो ये इन चीज़ों का अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं तो अगर आप ध्यान रख लें तो अच्छा होगा। और इसी प्रकार से जो सीड सोइंग का टाइम है उसमें भी आप यही करें, चाहे सब्जियों का है, चाहे धान का है, किसी भी क्रॉप का है, तो उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखें जो आपने सीड सोइंग करनी है उसको पहले आपने नॉर्थ साइड से शुरू करना है। जो आपका पैट्रिक लैंड है आप उसके नॉर्थ डायरेक्शन से सीड सोइंग शुरू करके आप साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ लेकर जाएं तो बहुत सुंदर लाभ होगा। और इसी प्रकार से सीड सोइंग भी आप अगर मंगल और शनिवार और अमावस को याद करके, महीने में एक दिन अमावस्या आती है तो अमावस्या को मस्या जैसे बोलते हैं, अमावस बोलते हैं, तो उस दिन आप बिल्कुल भी ना करें, तो एक दिन को छोड़ दें अगर तो शुभकारी होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए कहने की बात है कि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हम इस तरह से बहन, ये बहन की बात नहीं है, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो दोस्तों हमारे किसान भाइयों, मैं आपकी तन मन धन की शुभता के लिए यह वीडियो देने जा रही हूँ। आइए छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि आप आराम से कर भी सकते हैं, आपको शुभकारी होगा, आप इसका लाभ उठा के देखिए, आपको स्वयं को अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ ना करके तो देखें, तो इस तरह से इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में मैंने जैसे कि आपको बता दिया पोल्ट्री फिंग और चीज़ों के बारे में भी, अब बात कर लेते हैं फ्लावरिंग की। अगर नर्सरी जो हमारे भाई है नर्सरी का काम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, अभी मैंने पिछले दिन एक वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने जो है बहुत उनका सभी तरह का काम था, एनिमल्स भी उन्होंने रखे थे, डक्स भी रखी थी, फिशेज भी रखे हुए थे, और जो हमारी कैक्टस हैं उसको भी वो ग्रो कर रहे थे, एलोवेरा भी। तो उस समय में जब पूरा मैंने उनका देखा तो मुझे क्लिक किया ये आइडिया कि ये किसान भाइयों तक मैं पहुंचाऊं। तो आप पहली वीडियो देख चुके हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब दूसरी ये वीडियो है, इसमें मैं बताने जा रही, जैसे मैंने बता ही दिया क्रॉप्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में बता दिया, अभी नर्सरी जो भाई लोग हमारे खाली प्लेन नर्सरी करते हैं या प्लांट्स को सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम आगे अपने एक खेत में जो है एक पैच में जो है प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, चाहे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, चाहे फ्लावर्स हैं, तो ये लगाने के लिए, तो मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जो रहेगा वह आप अपने ईस्ट जो पैच रहेगा आपका ईस्ट साइड वाला आप उसको लें, वह शुभकारी होगा। और नहीं तो अगर आया तो आप जो आपकी मेड़ है, जो आपका वैसे चाहे आप खेती करते हैं तो मेड़ साइड में ही आप 8-10 पौधे जो हैं मेडिसिनल प्लांट्स के लगा सकते हैं। अब नर्सरी फूलों की रही, तो फूलों में आप क्या करें कि जैसे अगर आपका जो लैंड है तो या तो आप आधा पोर्शन जो है जो आपका ईस्ट की साइड में डायरेक्शन है तो उस प्लॉट में से आप आधा प्लॉट चाहे ले लें जो ईस्ट की तरफ ज़्यादा है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अब जो फूल किस तरह से लगाएंगे, तो जो ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा उसमें आप लाल और सफ़ेद, ये लाल और पीले जो रहेगा, पिंक कलर के जो रहेंगे, लाल रहेंगे, रेड कलर के रहेंगे, ऑरेंजिश रहेंगे और पिंक कलर के रहेंगे, इस तरह के जो भी फ्लावर्स हैं आप उनको उन डायरेक्शन में पॉट्स को रखें, या ग्रोइंग जो सीड सोइंग अगर करते हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं तो उस साइड में उनको ग्रो करें। और जो नॉर्थ साइड है आपके पैच की, आपकी भूमि की, उधर जो है आप येलो और वाइट फ्लावर्स को रखें। और जो साउथ डायरेक्शन रहेगी, साउथ में आप जो है पर्पल कलर के, ब्लू कलर के, जो डार्क कलर के हैं, डार्क रेड कलर के हैं, जैसे गेंदे के हो गए, इस तरह से जो प्लांटेशन है, और क्रोटन्स, और स्पेशली जो क्रोटन्स हैं आप उनको इस साइड में साउथ की डायरेक्शन में रखें तो शुभकारी होगा। और जो साउथ डायरेक्शन, जो वेस्ट डायरेक्शन रहेगी उसमें आप रेड कलर के, डार्क कलर के जो रहेंगे वह प्लांट्स को आप उस साइड में डायरेक्शन में लगाएं। तो इस तरह से ये फूलों की अगर आप करते हैं नर्सरी बनाते हैं या आप ग्रो कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकार से करें तो आप देखेंगे आपको जो प्लांट्स हैं वे, अब बात ये थी कि फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब आप वास्तु के हिसाब से प्लांट्स को एडजस्ट करते हैं, लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका नुकसान बहुत कम होगा, खराब बहुत कम होंगे और प्लांट्स अच्छी ग्रो करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नॉर्थ साइड में जो आप लगाएं तो उसमें जो है छोटी हाइट वाले जो फ्रूट्स अगर आप लगाते हैं तो छोटी हाइट वाले लगाएं, आप नींबू भी लगा सकते हैं नॉर्थ साइड में, लेकिन कांटे वाले हैं और जो खट्टे हैं वह साउथ डायरेक्शन में ही लगाएं तो शुभकारी होगा। और जैसे मैंने जामुन, अनार और शहतूत, ये जो है आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको दोस्तों बताया। इस जो सब्जियां हैं, सब्जियों को भी आप जो है, या जो ग्रीन पत्तियां वाली हैं तो उसको आप इस तरह से ज़्यादा जो है नॉर्थ साइड से शुरू करके और उसको दूसरी साइड में जो है साउथ की तरफ ले जाते हुए आप सीड शुरू करें। तो इस प्रकार दोस्तों ये जानकारी संपूर्ण हुई, उम्मीद है ये आपको बहुत लाभकारी होगी, बहुत शुभकारी होगी और आपको शुभता की वो करते हुए, मन्नत मानते हुए मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस भी दें। अगर हमारे किसान भाई और वीडियोस इस तरह की चाहते हैं तो आप मुझे सजेशन भी दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।